मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका देखिए क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है मैटर, आज उसे आपको हम पढ़ाएंगे और आप नोट्स अपना लिए रहिए और नोट्स भी करते रहिए। जो आपको समझ में नहीं आता है उसे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, देखिए आपका मैटर क्या है ना। अगर मैटर की हम बात करें तो दो वर्ड इसके लिए जानिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो स्पेस कवर करे, कोई थिंग्स है वो क्या करे, स्पेस कवर्ड करे या स्पेस एक्यूपाइड करे ना। पहली शर्त है कि वो क्या होना चाहिए, स्पेस कवर्ड करना चाहिए। दूसरा शर्त है ना कि उसके पास सम मास हो, सम मास, उसके पास कुछ ना कुछ मास हो। और तीसरी बात, उसको हम टच कर पाएँ या फील कर पाएँ ना, लाइक दिस ना। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो वो ऑब्जेक्ट आपकी जो है वो क्या होगा, पार्ट ऑफ मैटर है ना। जैसे सपोर्ट दैट, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बुक है ना, अब इसको पता करना है कि ये मैटर का पार्ट है कि नहीं है। तो आप अगर इस बुक को कहीं पे आप प्लेस करेंगे तो देखेंगे कि ये इतना स्पेस कवर्ड कर रहा है। इसका मतलब पहली शर्त है कि ये स्पेस को कवर्ड कर रहा है, इसके स्पेस कवर्ड कर रहा है, स्पेस कवर्ड कर रहा है। दूसरा बात, जब इसका हम अगर वेट करें, इसका वेट करें, देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें मास है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ मास पाया जाएगा। मास मान लीजिए है ना 250 ग्राम का है ना, तो इसमें कुछ मास भी है, स्पेस भी कवर्ड कर रहा है और इसे आप लुक भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो है ना। तो ये बुक आपका जो है वो किसका है, पार्ट ऑफ मैटर है ना। मैटर क्या है, अगर कोई थिंग्स है, कोई थिंग्स है और वो आपको क्या कर रहा है, स्पेस कवर करता है, उसके पास कुछ ना कुछ मास है और उसे हम टच फील ना लुक लाइक ईटीसी कर सकते हैं, तो वो आपका क्या है, पार्ट ऑफ मैटर। तो कह देंगे सच थिंग्स विच इज स्पेस कवर्ड एंड कंटेन्स सम मास, दैट ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ मैटर है ना। वो ऑब्जेक्ट जो होगा या थिंग्स होगा वो किस क्या होगा, पार्ट ऑफ मैटर है ना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें हमारे पास एक एयर है ना। अब एयर को प्रूव करना है, एयर कहो या विंड कह दो है ना, इसको प्रूव करना है कि ये मैटर है या नहीं। तो चलो आओ चेक करते हैं कि ये मैटर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक बैलून ले लेंगे है ना। अब इस बैलून में है ना, इस बैलून में हम क्या करेंगे, एयर को फिल करेंगे जिसको हमें चेक करना है। इस एयर को इसमें क्या करेंगे, फिल कर देंगे ना एयर। अब इसमें हमने क्या किया, फिल किया। आप देखेंगे कि एयर फिल करने के बाद ये क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा है ना, ये क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा ना, एक्सपेंड कर गया ना। तो अब कहेंगे कि ये जो पहले फर्स्ट वॉल्यूम था ये तो ऑब्वियसली एक मतलब कि स्पेस तो कवर किया था, लेकिन जब आपने उसमें एयर को फिल किया, एयर फिल करने के दौरान आप देखेंगे कि ये लार्ज स्पेस कवर कर लिया है ना, ये इतना सारा स्पेस कवर कर लिया। तो हम कहेंगे कि पहली जो शर्त है आपका कि ये स्पेस एक्यूपाइड करता है, स्पेस कवर करता है, स्पेस कवर कर रहा है। दूसरी बात, आप इसको एम्प्टी वैल्यूम का अगर वेट करते हैं ना, सपोर्ट दैट मान लीजिए इसका वेट 1 ग्राम का है ना, आफ्टर द फिलिंग एयर है ना, तो इसको आप चेक करेंगे एयर अगर 3 ग्राम का आ गया है ना, तो ऑब्वियसली अगर एयर उसमें जा रही है तो वेट तो बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा, इसका मतलब है कि ये अब जो एयर है पहले 3 में से आप 1 को बैलून वाला वेट घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 ग्राम है ना, 2 ग्राम बच गया। अब आपको इसे पता करना है कि ये 2 ग्राम किसका वेट है, जो इसमें डाला गया है।
तो एयर इसमें ही तो फिल किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो 2 ग्राम वेट किसका है, एयर का। इसको तो इसका मीनिंग है कि इसको हम कह सकते हैं कि एयर के पास भी कुछ ना कुछ मास होता है, यानी एयर कंटेन सम मास, एयर कंटेन सम मास, एयर कंटेन सम मास। इसका मतलब है कि एयर के पास भी मास है, तो हम कह सकते हैं कि एयर इज ए पार्ट ऑफ मैटर। एयर किसका पार्ट है? मैटर का। ये क्या है? मैटर है ना। अब देखिए, इसको नोट्स करिए ना। अब चेक करिए कि ये मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ना। तो जो आपका मैटर है, मैटर को जनरली 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है ना। जनरली ये 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट इज ए प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस कहो आर मैटर, नो इशू, प्योर सब्सटेंस आर इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है कि प्योर सब्सटेंस क्या है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है ना। अब प्योर सब्सटेंस क्या है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, तो आप लोगों ने क्लास 8th में भी सब्सटेंस के बारे में, प्योर और इम्प्योर के बारे में पढ़ा था। फिलहाल आपको मैं बताता हूँ प्योर सब्सटेंस क्या है। अगर देखिए कि अगर ये किसी फिक्स रेशियो, इसका अगर कंपोजिशन क्या हो जाए ना, जो ये प्योर सब्सटेंस बना है इसका कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स्ड होगा, है ना। ये जो प्योर सब्सटेंस है ये फिक्स्ड कंपोजिशन के द्वारा बने होते हैं, है ना। इसका मतलब है, है ना, और इनके जो एटम और मॉलिक्यूल होंगे, एटम ये मोनो एटम से मिलके बने होंगे, मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक से ये फॉर्म होते हैं। तो ये किसका है? प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस क्या है कि ये, और ये कह सकते हो कि यूनिफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब एक ही स्टेट लाइक दिखते हैं, है ना। तो और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है ये जनरली क्या है? मिसविल है। क्या है? मिसविल है, मिसविल है। मिसविल का मतलब है कि ये कैसा है? मिक्सचर है। कैसा है? मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब है कि इसमें टू डिफरेंट सब्सटेंस को क्या किया गया है? मिला दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। अब देखेंगे प्योर सब्सटेंस कितने तरीके से क्लासिफाइड है और क्या क्या है उसमें, है ना। तो प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड आर 2 टाइप्स, है ना। जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है ना। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड 2 टाइप्स ना। कौन कौन से? है ना, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, है ना। तो जो आपका, है ना, प्योर सब्सटेंस है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब बच्चों यहां पे देखिए, अब एलिमेंट्स जो क्या है, एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, उनको कह दो, उनको कहा जा सकता है कि ये क्या है, ये मोनो एटम के द्वारा मिलके बने होते हैं, मोनो एटम के द्वारा, है ना। जैसे अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो आपके हैं एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक आपका है मेटल और दूसरा आपका क्या है बाबू? नॉन मेटल, है ना। एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। और एक और चीज होता है, मेटलॉइड्स होता है। क्या होता है? मेटलॉइड्स, है ना। अगर बात करें तो मेटलॉइड्स है ना, या इसको कह दो एलॉय भी कह सकते हो, एलॉय, है ना, एलॉय। तो मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय। अच्छा, ये इसी से इसका ये फॉर्मेशन है, इसी से बने गए एलॉय, है ना। तो फिलहाल जनरली अगर बात करें तो ये 2 तरीके से, मेटल एंड नॉन मेटल। फर्दर इसे डेरिवेटिव है, इसके मेटल के डेरिवेटिव हैं जो एलॉय है। इसका मतलब है इसमें 2 मेटल को मिक्स करके बनाया गया, इसी से बनाया गया है। तो जनरली आपको है मेटल और नॉन मेटल। अब सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे कि मेटल क्या है,
और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल, फिर इन दोनों का मिक्सचर पढ़ लेंगे एलॉय, ओके है ना। तो आप हेडिंग लगाएंगे क्या मेटल्स, है ना। अब देखिए मेटल क्या है ना, तो मेटल आप जनरली जानिए मेटल ना, तो मेटल कहेंगे अगर बात करें तो सच एलिमेंट विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस ना कैटायन आर पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना दे कैटायन, कैटायन का मतलब उस पर क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहेंगे जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है मेटल है। जैसे सपोर्ट दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास यक्स कोई एलिमेंट है और वो क्या करे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके इस तरह की प्रॉपर्टी रख ले, है ना, यक्स प्लस, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ए एलिमेंट है वो आपका क्या है मेटल है ना, दैट इज ए मेटल बिकॉज इट्स एलिमेंट आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म द कैटायन, है ना। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है मेटल है ना। जैसे सपोर्ट दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 3 है, 3 को अगर करो तो 2 और 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लॉस करता है तो क्या बनाएगा Li प्लस, है ना। तो Li प्लस बनाने की इसके पास टेंडेंसी है, तो ये आपका क्या है मेटल है ना। और एक जनरली से बात हम कर सकते हैं कि अगर कह दें कि कोई एलिमेंट है तो उसकी अगर लास्ट सेल में है ना 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो जनरली क्या होंगे मेटल होंगे, है ना। जनरली वो क्या होंगे मेटल होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, है ना, और एल्युमिनियम है। इसकी बात करें तो 11, 12 और 13 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3। तो ये जनरली आपके क्या है मेटल है। तो आप जानिए नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसके, है ना, और प्रॉपर्टी, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके।